हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये मैं जो है आज तो मैं बना रही हूँ जो शामी कबाब बना रही हूँ अभी मैं। और मैंने यहाँ जो है गोश्त अपने आधा किलो जितना गोश्त था और ये मेरी पाव किलो जितनी दाल थी, तो मैंने जब दाल को भिगा दी और गोश्त को भी मैं अच्छे तरीके से जो है साफ़ करके रख दी हूँ। अब मैं दोनों को जो है वो उबाल लूँगी। तो मैंने ये कुकर के अंदर डाल दिया है और मैं ये उबालने के लिए रखूँगी। तो इसके अंदर सब चीज़ें मैं थोड़े मसाले ने थोड़े ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ शामी कबाब बना रही हूँ, आपको तो खबर होगी। तो ये देखिए, मैंने गरम मसाला डाला हुआ है इस अंदर, तो आखा गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया है, जो कि अपने तेज़ पत्ते होंगे और बादियान, लविंग, बादियान, काली मिरी और ये ज़ीरा थोड़ा डाला। ये गरम मसाला हो गया मेरा और ये तेज़ पत्ते, तो ये गरम मसाला हो गया। और अब मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर एक डेढ़ चम्मच जितना, हल्दी आधी चम्मच जितनी और थोड़ा सा गरम मसाला जो पीसा हुआ था। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया और देखिए सबको मैंने बॉईल कर लिया यहाँ पे। तो ये मेरा बॉईल हो गया। अब मैं इसे जो है वो मिक्सी में मैं पीस लूँगी, क्योंकि बोटी जो है वो गली नहीं है, दाल गल गई है लेकिन गोश्त नहीं गला है मेरा। तो मैं इसे मिक्सर में मुझे पीसना ही पड़ेगा इसे। तो देखिए यहाँ पर मैं हिला रही हूँ, शायद तो चम्मच से मारने से भी नहीं होगी, तो बेहतर है कि इसमें वो मैं ग्राइंड ही कर लूँ। गोश्त कभी कभी गलता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश करो। देखिए अब मैंने यहाँ पे जो है ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड होने के बाद एकदम परफेक्ट हो गया है, दोनों चीज़ें परफेक्ट तो परफेक्ट मिल गई है। और मैं यहाँ पे देखिए मैंने बना भी लिए, शेप ले लिया है शामी कबाब का। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत बड़ी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है फ्राई करने के लिए रख दिया है और एक अंडा लिया है। अंडे को मैंने फेंट लूँगी, मैं अंडे को अच्छी तरीके से। अब ये डिप करके अंडे के अंदर और ये मैं कबाब को मैं तल लूँगी इस तरह। बहुत सिंपल और एकदम सिंपल तरीके से ही बनाते हैं हम। खाने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी है। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ कर लूँ। अब मैं इसे पलट दूँगी, एक साइड से पक चुकी है, ये दूसरी साइड यूँ पलट लेंगे हम। शायद तो कोई सेवैयाँ भी डालते हैं इसके अंदर ये रैप करने के लिए या फिर रवा, लेकिन मैं तो खाली अंडे में ही कर लेती हूँ।
ये तल चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा साइड पे ले लूँगी और दूसरी मैं अंदर डाल दूँगी। फटाफट हो जाएगी ये काम भी मेरा। कल की बहुत लंबी वीडियो थी तो मैंने आज शॉर्ट बनाई है कि जल्दी शॉर्ट में आप भी थोड़ा कंटा लेंगे नहीं, और तो इसके लिए मैंने थोड़ी शॉर्ट ही बनाई है। और यहाँ पे देखिए फ्राई हो चुकी है और मैंने इसे डेकोरेट किया है। तो कैसी लगी वीडियो? शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट है वीडियो। तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।